तो लगता है ये हफ्ते में हम सिर्फ साफ सफाई के बारे में ही बात करने वाले, ठीक है। अभी आपने डिस्कस वाला वीडियो देखा, हॉस्पिटल टैंक वाला, क्वारंटाइन में फ्राइडे को देखा, तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 5 दिन हो गया। डिस्कस तो बहुत हेल्थी है, हैप्पी भी है, अच्छा खाना खा रहे हैं, ठीक है, और उनके जो सराउंडिंग्स है उनको मजा आ रहा है, टेम्परेचर अच्छा है, पानी में ऑक्सीजन अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पानी बहुत साफ है। और आज मैं आप सबको वही दिखाने वाला हूं कि पानी साफ करने का कितना इंपॉर्टेंस है और सिंपल सा कैसे करते भी है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ओके। पानी साफ करना है, टैंक साफ करना है, ओके। एंड ये हमेशा याद रखना है कि पानी जितना साफ होगा, फिश उतना हेल्थी होगा, आप ज्यादा हैप्पी होंगे। तो चलो जाके अपना क्वारंटाइन रूम में डिस्कस का टैंक, जो हॉस्पिटल टैंक है, उसको साफ करते हैं और देखते हैं क्या क्या करना है फटाफट और कैसे करते हैं। तो हमने फीडिंग किया है, ओके, और फीडिंग करने के बाद क्लीन करना बहुत जरूरी है, गंदगी निकालना बहुत जरूरी है क्वारंटाइन टैंक में। अभी ये टैंक में क्वारंटाइन में फिश अभी ऑलमोस्ट एक 4-5 दिन से है, तो ये हमारा क्वारंटाइन का रूम है, और ज्यादातर जब भी हम फिश क्वारंटाइन करते हैं ये रूम में करते हैं, ताकि यू नो टेम्परेचर अच्छा हो, डिस्टर्ब ना हो, ओके। और कोई आने, हमारे ऑफिस में काफी सारे लोग आते जाते हैं, तो वो इशू ना हो, ठीक है। तो पाइप में पानी साइफन हो गया है और हमें क्या करना है, कचरा निकालना है। जितना भी ये खाने का कचरा है ना, वो डेली साफ होना चाहिए। जब तक ये डेली साफ हो जाता है तो अच्छी बात है, और साफ होता है तो गंदगी नहीं रहता है, अमोनिया बिल्डअप का चांस नहीं रहता है। तो हमेशा क्वारंटाइन टैंक में डेली साफ करने का आदत लगाओ। ये मैं थोड़ा छोटा पाइप यूज कर रहा हूं ताकि ज्यादा पानी ना निकले, ओके। अभी थोड़ा ये फिल्टर भी हटा के फिल्टर के नीचे कोनों में, और आराम से करो ताकि डिस्कस को डिस्टर्ब ना हो। उनको आदत लगता ही है क्योंकि हम लोग रेगुलरली हाथ वाथ लगाते रहते हैं, तो आदत हो जाता है उनको। तो अभी मैक्सिमम कचरा निकल गया है, थोड़ा मैं स्पॉन्ज पे भी मार रहा हूं अगर कोई कचरा रह गया तो, ओके। अभी क्या होता है, कभी कभी ग्लास में भी थोड़ा कचरा रहता है, तो हल्का सा ग्लास भी साफ कर दिया, ओके। और अभी पानी भर देना है। हम लोग ये डिस्कस को 2 बार फीड करते हैं, दोनों बार ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वुंड्स, ओके, और कभी कभी 1-2 बार एडीए का भी हम लोग फूड डालते हैं, AP3, बहुत अच्छा फूड है, ठीक है। अभी इसमें पानी भरेंगे, और मैं अभी इसमें मग भी नहीं डालूंगा या ऐसा नहीं डालूंगा, एक पाइप है जिसमें मैं पानी कनेक्ट किया है, और ये पानी जो है हमारा NA वाटर से आता है। जैसे आपको दिख रहा है ये NA वाटर में,
यहाँ पे मट्टी है, गंदगी निकलता है, इसको स्पॉन्ज फिल्टर बोलते हैं, और ये वाले फिल्टर में क्लोरीन वगैरह निकल जाता है, हैवी मेटल्स निकलता है, और ये पानी बिना क्लोरीन का अंदर जाता है। साफ पानी फिश के लिए अच्छा, एक्वेरियम के लिए अच्छा, और क्वारंटाइन भी इजीली हो जाता है। सेफ रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, फिश कंफर्टेबल रहते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं है फिश का। तो जैसे आपको दिख रहा है, यू नो, आराम से रहते हैं, टेंशन नहीं है, उतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, आराम से है, ओके? ये बहुत जरूरी है कि फिश स्ट्रेस ना हो। जितना स्ट्रेस होगा फिश को प्रॉब्लम होगा, ठीक है? अभी इसमें पानी भरते हैं और काम हो गया, ठीक है? बहुत ही स्लो बढ़ रहा है, इसमें प्रेशर नहीं है, फोर्स नहीं है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो डिस्कस स्ट्रेस आउट हो जाएंगे। डेली 10 मिनट का काम है, आराम से करो, टाइम जब मिलता है, लेकिन डेली क्लीन करो। बहुत जरूरी है कि कचरा रहे ना इसमें। हफ्ते में एक बार स्पॉन्ज फिल्टर साफ करो, हीटर को वॉश करो, ये सब जरूरी चीजें हैं, बिकॉज इसमें भी गंदगी रहता है, ठीक है? नमक के पानी में वॉश करोगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? ये याद रख के करना, इट्स इंपॉर्टेंट। तो अभी आपने देखा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कचरा निकालो रोज, हॉबीस्ट जो ऑलरेडी बेयर बॉटम में डिस्कस रखते हैं उनको मालूम है कि रोज कचरा निकालना जरूरी है। तो फिश जब खाना खाता है ना, एंड वो वेस्ट निकलता है, अगर वो वेस्ट वहां रह जाता है, वो अमोनिया बिल्डअप हो रहा है, और ज्यादातर बेयर बॉटम टैंक्स में स्पॉन्ज फिल्टर होने के वजह से बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन नहीं हो पाता। और वो अमोनिया अगर उधर रह गया, पानी गंदा होगा, फिश को प्रॉब्लम होगा, फिन रॉट, एक अमोनिया बर्न, गिल्स बर्न होना, या बॉडी में रेड मार्क्स आना, ये सब वहां पे होता है। और डिस्कस में अगर स्ट्रेस होता है तो पेपरिंग होता है, मतलब ब्लैक स्पॉट्स आता है। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, ओके? बट ये वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट था साफ सफाई। अगर आपको फिल्टर या हीटर वॉश करना है तो हफ्ते में एक बार करो, रोज रोज करोगे तो वो सिस्टम बिगड़ जाएगा, ओके? ये फिश को मेरे हिसाब से मैं एक और हफ्ता क्वारंटाइन में ही रखने वाला हूं। थोड़ा मैं टेम्परेचर एडजस्ट कर रहा हूं उसका, ठीक है? बिकॉज अभी 28 में था, आज मैंने 27 में किया है, कुछ दिनों बाद 26-25 में लाऊंगा, तब जाके ऐसे टैंक में डालने में इजी होगा और उनको स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये मेरा इंटेंशन है कि ये टैंक में डाल के आपको दिखाऊं, बहुत जल्दी होगा, तब जाके वो डिस्कस का असली कलर दिखेगा आपको, असली सुंदरता दिखेगा। तो ये समझना जरूरी है कि पानी बहुत साफ होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, खाना खाने के बाद कचरा निकालना चाहिए, ठीक है? और हां, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि सॉल्ट को कैसे यूज करते हैं, अगर आपको लगता है कि फिश थोड़ा बीमार है या स्ट्रेस्ड आउट है या कोई मार्क्स है, कोई इश्यू है, तो आप सॉल्ट ट्रीटमेंट कर सकते हो। अभी भी हॉस्पिटल टैंक में ही है ना। अगर कोई बीमारी नहीं है तो मेडिसिन्स मत डालो, ओके? अगेन मैं बोलता हूं, मेडिसिन्स मत यूज करना विदाउट रीजन।
ठीक है ओके। तो हमेशा की तरह ये बहुत ही सिंपल छोटा सा टॉपिक था बट जरूरी था ओके। एंड मेरे तरफ से और मेरे पूरे टीम की तरफ से थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, एंड शबा खैर। डिस्कस के और वीडियोस बन रहे, ठीक है, डिस्कस को प्लांटेड टैंक में भी डाल के दिखाएंगे, प्लांटेड टैंक को कैसे डिजाइन करना चाहिए वो भी बताएंगे, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।